बंधुगण देखु प्रायत समस्त बहुत ही भल थे आढ़ापढ़ी बहुत ही भल चल बीओडी थ्री ब्लॉक वन आमर रही आधुनिक ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि और नवजागरण आम मैंने फुल कवरेज कर यूनिट वन तापर यूनिट टू को फुल कवरेज करें यूनिट थ्री को फुल कवरेज करवा यूनिट थ्री रही मुद्रण जंत्र प्रतिष्ठा जो रही को आम फुल कवरेज करवा पूर्व भिड देखी न तो प्ले लिस्ट अवेलेबल अच्छी वीडियो जाइए देखीदेव तो देरी न करके मुद्रण जंत्र प्रतिष्ठा कौन कौन रही यही आम वर्तमान फुल कवरेज करवा आम सर्वप्रथम इनफर्मेशन पाइबापी चाहते टेलीग्राम चैनल जॉइन होगा भूलना ही वीडियो तलपटे लिंक मिलजिव टेलीग्राम चैनल ठीक अच्छे जदि टेलीग्राम चैनल लिंक ओपन होनी तो सर्च बार टेलीग्राम सर्च बार सर्च कर एट द रेट प्रेप लर्न वन सर्च कर प्रेप लर्न वन ठीक अच्छे सर्च कर आसीज तो इतर आमको लंग क्वेश्चन पचारिद भारत मुद्रण जंत्र प्रतिष्ठा ओडिशा रे मुद्रण जंत्र केमिति होइतला आउ ओडिशा रो सामाजिक आउ सांस्कृतिक क्षेत्र रे मुद्रण जंत्र केमिति प्रभाव पड़ीला ये संपर्क रे आमको पचारिबो हे पचारिबो लॉन्ग क्वेश्चन ठीक अछि आउ शॉर्ट क्वेश्चन तो एई भीतर ही आसीबो तो आमको पचारिबो शॉर्ट क्वेश्चन जे सर्वप्रथम मुद्रण जंत्र की प्रतिष्ठा करथिले जदि आमको पचारिबो ताहेले आमे माने सठिक उत्तर कोन करबा गुटेनबर्ग जोहानेस गुटेनबर्ग सर्वप्रथमे मुद्रण जंत्र आविष्कार करते आई जो आविष्कार करते तार वितरण आ चर्चा केमी नुआ आंदोलन सृष्टि होता ता संपर्क रही यूनिट रही ठीक अच्छे मुद्रण जंत्र प्रतिष्ठा संपर्क एमती रही तो यू आम वर्तमान फुल कवरेज कर तो आमको पचार ज्ञान चर्चार वितरण ज्ञान चर्चा और वितरण मुद्रण जंत्र भूमिका कौन कौन रही ये संपर्क रही है यूनिट रे यूरोप रु मुद्रण जंत्र आसी धीरे धीरे भारत में केमी प्रतिष्ठा होता ओडिशा मुद्रण जंत्र प्रभाव में सामाजिक सांस्कृतिक आ शिक्षा व्यवस्था केमी पर आसला ये संपर्क रही यूनिट रे ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर तो जदि आम देखा साहित्य आ शास्त्र को साहित्य रखापी ओडिशा था गोटे समृद्ध लेखन पद्धति शिलालेख आउ तंबापटा मानक छाड़देले यार प्राचीनता आ विफलता तालपत्र पोथी मानक लक्ष्य कले आम आश्चर्य ठीक अच्छे तो कौथे लिखुले तालपत्र तो ओडिशार विभिन्न अंचल भागवत गादी मानक पठित हो ज्ञान चर्चार गोटे परिमंडल सृष्टि करता तालपत्र पोथी आयुष काल था सीमित सर्वाधिक 200 वर्ष ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर भाव ये संपर्क देखे तो जदि आम देखा प्रति प्रतिलिपि प्रस्तुत करवा गोटे कष्टकर काम हो ग्रंथ चोरी आ ग्रंथर रक्षण बेक्षण अवहेला कले कुंभी कुंभी पाक नर्क पड़ी रहीबार भय मध्य प्रदर्शन करथांती आ कोनोसी ग्रंथ को श्रद्धा आ सुरक्षा देले घरे सुरक्षित करी रखिले परिवार उत्तरोत्तर उन्नति होता है दैवी आशीर्वाद मिले इत्यादि मंगल सूचक आश्वासन पुष्पिका देखा मिलता है ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर तापर आँ कौन रही संपर्क देखीदे आशार छापाखाना आरंभ होता प्राय 400 वर्ष पर ठीक अच्छे ऊनविंश शताब्दी शेष जाए ओडिया ज्ञान आ साहित्य संरक्षण गोटे मात्र माध्यम थी ठीक अच्छे तो यही इतिहास जदि आम देखा ये मुद्रण जंत्र इतिहास सहित विद्यालय न्यायालय सरकारी कार्यालय खबरकगज पत्र पत्रिका इटा ये ग्रंथ ग्रंथालय सहित जड़ित ठीक अच्छे तापर हेडिंग देदेव सब हेडिंग देदेव भारत में मुद्रण जंत्र प्रतिष्ठा ठीक अच्छे मुद्रण जंत्र प्रतिष्ठा भारत में तो गण जोगाजोग क्षेत्र में मुद्रण जंत्र गोटे विप्लव अटे ज्ञान वितरण पाई आउ मूल वक्तव्य को अविकल भाव में एकाधिक प्रतिलिपि सृष्टि कर एककालीन प्रचार आ प्रसार कर भूमिका ग्रहण कर ठीक अच्छे मुद्रण शिल्पर इतिहास को निरीक्षण कले जमापड़े यह विकास
शिल्प वाणिज्य ठारु आरंभ करी शास्त्र आउ साहित्य जाए समस्त सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति सहित यहाँ संपर्कित हो रही था। ठीक अच्छे तो विश्व विभिन्न देश में शताब्दी शताब्दी धरी शहे वर्ष गोटे शताब्दी होता है। ठीक अच्छे शहे वर्ष गोटे शताब्दी होता है तो शताब्दी शताब्दी धरी मुद्रण शिल्पर कर्म विकास हो चली आउ समाज आउ सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव हो। ठीक अच्छे मुद्रण शिल्पर विकास गोटे धारे दीर्घ आउ जटिल। ठीक अच्छे जनमानसर राजनीतिक सामाजिक चेतना सह यार जटिल संपर्क रही केवल ज्ञान वितरण रे नुहे जीवनर प्रत्येक क्षेत्र में यूरोपीय नवजागरण समय रे ना मुद्रण शिल्प ही प्रधान भूमिका ग्रहण करिथिला। ठीक अच्छे नवजागरण समय रे मुद्रण शिल्प ही आनीथिला धर्म ज्ञान विज्ञान राजनीति आउ सामाजिक समाज जीवन रे विपुल बहुत सारा परिवर्तन आनीथिला। ठीक अच्छे कागज आविष्कार सहित तो मुद्रण यंत्र आविष्कार निविड़ संपर्क होकर रही तो चीन देश में प्रथम कागज आविष्कार होता ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी मन रख लक बाउंश परी उपादान मान को त्याग कर प्रथम आधुनिक कागज प्रस्तुति पर यह अष्टम शताब्दी बेले चीन देश में युद्धबंदी आरब देश मानक प्रसार लाभ कला आरोप को यूरोप को गला द्वादश बरतय दश शताब्दी बेलू आ गुटेनबर्ग जोहानेस गुटेनबर्ग मुद्रण यंत्र आविष्कार मुद्रण यंत्र कहले कौन कि पे मैंने मुद्रण यंत्र कहले कौन कहते मुद्रण यंत्र कहले छपाखाना जो थे कि छपा हुए बही गुड़िक पुस्तक गुड़िक जो थे छपा हुई थाए संवादपत्र गुड़िक जो थे छपा हुए छपाखाना कहुए। ठीक अच्छे मुद्रण यंत्र कहुए तो गुटेनबर्ग मुद्रण यंत्र आविष्कार बहु आगर चीन देश में काली ब्लॉक प्रिंटिंग आउ बारंबार व्यवहार उपयोगी माटी अक्षर सहायता रे छापा आरंभ होता प्रथम काली ब्लॉक प्रिंटिंग बारंबार व्यवहार उपयोगी माटी अक्षर साइज रे इटा छापा आरंभ होता किंतु चीन देशर लेखन पद्धति थिबा अगणित अक्षर संख्या कारण गोटे पूर्णांग सर्वजन विकास संभव हो नथिला। चीन रे चीन देश में प्रचलित मुद्रण शिल्प अनेक दृष्टि थिला सीमित किंतु यूरोप्र सरल रैखिक अक्षर विन्यास अल्प अक्षर संख्या एवं मानक अक्षर निर्वाचन रे त्वरितता मुद्रण यंत्र को अधिक लोकप्रिय कर देथिला। ठीक अच्छे नवजागरण समय रे यूरोप रे जो परिवर्तन आसीथिला सेथिरे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिला सहज आउ सुलभ लेखन पद्धति जोहानेस गुटेनबर्ग थिले जणे स्वर्णकाय आउ व्यवसायी थिले विभिन्न व्यक्ति ठारु धारकरज करी मुद्रण शिल्पर व्यवसाय आरंभ कले जर्मानी मन रख जर्मानी मेनज सहर रे क्योंठारे होता जर्मानी मेनज सहर। ठीक अच्छे विभिन्न व्यक्ति ठारु धारकरज करके मुद्रण शिल्पर व्यवसाय आरंभ करते क्योंठारे कहते जर्मानी मेनज सहर रे आउ यूरोप द्वादश शताब्दी परवर्ती समय रे पशु चमड़ा। ठीक अच्छे पशु चमड़ा आउ चर्च मेन स्थान ग्रहण कर चीन देशर आसी नूतन उपाय या कागज धर्म आउ सरकारी शासन व्यवस्था व्यवहृत प्रतिलिपि प्रस्तुति रे कागजर व्यवहार आरंभ हो सारी। ठीक अच्छे तो यूरोप्र सहर मानक स्क्रिप्टोरिया बा लेखनशाला मान गढ़ी उठी था मूल्यवान दलिल धर्मशास्त्र नक्सा आईन कानून संपर्क पुस्तक मानक प्रतिलिपि सृष्टि करने गुटेनबर्ग यह गोटे सुअवसर मन कर धातव अक्षर निर्माण कर यूरोप मुद्रण प्रतिष्ठा करते प्रथम पर्यायर अक्षर मानक उच्चता आउ आकृति एवं दैर्घ्य को नहीं कितक समस्या देखा दी थिला। ठीक अच्छे सृष्टि सुखकर विन्यास आउ अक्षर मानक मानकीकरण रे सौंदर्यतात्विक दृष्टिभंगी गुटेनबर्ग ग्रहण करते तापरे पुस्तक सबू लाटिन भाषा रे प्रथम प्रकाश पाई पुस्तक गुड़िक कौथेरे प्रकाश पाई मुद्रण यंत्र जो छपा होता है लाटिन भाषा रे आउ से प्रथम लाटिन बाइबल को दुई भाग में प्रकाश करते किए कहते आमको पचार सर्वप्रथमे लाटिन बाइबल को दुई भाग में प्रकाश किए करते गुटेनबर्ग कर।
ठीक अच्छे यार प्रत्येक भाग 30 फ्लोरिन्स बिक्री है जहाँ थी प्राय 3 वर्ष धरी प्रतिलिपि प्रस्तुतकारी मजूरी मूल्य सह सामान ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर। तापर परवर्त समय जदि आम देखा धर्मजाजक मान मुद्रण शिल्पर साहाज्य धर्म संपर्क पाठ्य मानक प्रकाशन करते प्रतिष्ठा करते मार्टिन लुथर किंग को विभिन्न बाणी बाइबल विभिन्न सुसमाचार प्रचार से समय मुद्रण शिल्प है गोटे प्रधान युग कहीपर तो 1476 मसीह विलियम ककसटन प्रथम मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा कले इंग्लैंड रे। इंग्लैंड रे प्रथम मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा किए करते 1476 मसीह विलियम ककसटन कर ठीक अच्छे। ककसटन थी जड़े अनुवादक थे मुद्रण यंत्र मध्यम जनप्रिय साहित्य प्रचार पर असीम आग्रह ठीक अच्छे। चरसंक द सेंटरबुरी टेल्स संपादना कर वाक्य विन्यास बनान पद्धति आउ इंग्राजी भाषार व्यवहार संपर्क से गोटे मानक निर्धारण भी करते ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर। तो यहाँ जानवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तापर भारत में मुद्रण यंत्र इतिहास लक्ष्य कले जना जाए कि भारत को मुद्रण यंत्र आसी यूरोप रु भारत को क्यों ठारू नवजागरण आसी सरी मुद्रण यंत्र आसी मुद्रण यंत्र भारत को क्यों ठारू आसी यूरोप महादेश आसी 1556 मसीह आ गोटे सुंदर घटना सेंट फ्रांसिस जेभियन को गोटे चिठी रु जना पड़े ताक इच्छा था जीशु ख्रीष्टों जीवन कथा आ जीवनवाणी जापानीज भाषा ये प्रकाशित होता ठीक अच्छे। गोवापाई कितु सेमती किसी इच्छा ना जहाजे आबिसीनिया गला बाटरे ही यहाँ जदि आम देखा जहाजे आबिसीनिया गला बाटरे ही मुद्रण जंत्री गोवा टाइटा रही जाता ठीक अच्छे। 1556 मसीह सेप्टेम्बर मस 6 तारीख बेलू फादर जोन्स डे बेरांग अन्य गोटे चिठी रू जना पड़े गोवे प्रतिष्ठित हाउस ऑफ होली फेथ कॉलेज रे प्राय 60 जन तरुण विभिन्न भाषाभाषी और विभिन्न जातीयतार छात्रा छात्र छात्री मैंने सेठारे अध्ययन करुथिले एमती जना पड़ा ठीक अच्छे। बहुत ही सुंदर भाव तो मन रख सप्तदश शताब्दी बोल के गोवे जदि आम देखा गोवे ये छापाखाना 16 पुस्तक प्रकाशित होता जना पड़ा ठीक अच्छे। आषोलश 74 ख्रीटाब्द पर यह छापाखाना आ कौन से पुस्तक 1821 पर्यंत प्रकाशित हो पारि नाला ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर। तो कौन है देवनागरी अक्षर बम्बे रु कि 1853 मसीह ही छापा कार्य पुणी आरंभ होता ठीक अच्छे। गोवे जदिओ भारत प्रथम मुद्रण यंत्र स्थापित होता भारतीय भाषा और साहित्यर विकास कौन सी गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर नाला। तो बम्बे मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा है 1674 ख्रीटाब्दे ठीक अच्छे। किंतु भीमाजी परेख नामक जड़े गुजरातर व्यवसायी मराठी पर्तुगीज तापर फरासी और इंग्राजी भाषा मुद्रण करने आरंभ कर ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर। तापर डेनिश मिशनारी मानक सहायत माड्रास मुद्रण यंत्र आरंभ होता 1714 ख्रीटाब्दे आया भारत तृतीय मुद्रण यंत्र ठीक अच्छे। ठीक अच्छे। तो पर्तुगीज मानक प्रभाव पूरा समग्र दक्षिण भारत में अनुभूत होला बेले डेनमार्क मिशनारी मैंने पर्तुगीज भाषा शिखिया आग्रह प्रकाश कर ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर। तापर आ कौन कौन होता इस संपर्क जानवा बहुत ही इम्पोर्टेंट तापर मन रख बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे। तापर कलिकता मुद्रण शिल्पर विकास घटी राजनीति कारण तो ईस्ट इंडिया कंपनी जड़े प्रशासक नेथेनियल ब्रेसी हालहेट तांक द्वारा रचित होता ग्रामर ऑफ बंगाली लैंग्वेज प्रकाशित होता के 1778 ख्रीटाब्दे ठीक अच्छे। आ प्रकाशित होता हुगुली छापाखाना ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर।
बहुत ही सुंदर भाव पारी। तो वारेन हेस्टिंग को आप जानते हैं, वारेन हेस्टिंग प्रेरणा हालेहेड साहेब बंगीय भाषार व्याकरण रचना करते यार बंगला अक्षर निर्माण कही किए किए कहते सार चार्ल्स विल्किंस करते ठीक अच्छे। तापर आमको मन रखा पड़ो कौन मन रखा पड़ो जोटा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आम देखा ठीक अच्छे। तापर सबिंग देदेब ओडिशा मुद्रण जंत्र प्रसार तो भारत तथा अन्य भाषा बोली भारतर अन्य भाषा बोली ओडियारे मध्य मुद्रण शिल्प ख्रिस्टियन मिशनारी मानक द्वारा प्रथम आरंभ होता ओडिशा क्या द्वारा होता ख्रिस्टियन मिशनारी मानक द्वारा प्रथम आरंभ होता ठीक अच्छे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी रो परिचालक माने आपणार अधिकृत अंचल ख्रीष्ट धर्म प्रचार पर विशेष आग्रह नथिले से माने मूल लक्ष्य से मानकर मूल लक्ष्य थिला व्यवसाय एवं व्यवसाय माध्यम रे राज्य अधिकार व्यवसाय एवं व्यवसाय माध्यम रे राज्य अधिकार जनसाधारण को धर्म विश्वास को आहत कर मधे सन्देह आ अविश्वास सृष्टि करबा ईस्ट इंडिया कंपनी रो आद लक्षण थी। तो यूरोप रो विभिन्न देशर ख्रीटर्म प्रचार करने जो ख्रीटियान मिशनारी सबू से समय रे भारत रे सक्रिय थिले से मैंने अति उग्र भाव हिंदू धर्म और प्रतिमा पूजा विरुद्ध पुस्तिका आ प्रचार प्रसार मध्यम धर्म प्रचार करुले आई उद्देश्य परिपूरण अधिक आवश्यक था छापाखाना कौन थी अधिक आवश्यक था मुद्रण जंत्र प्रतिष्ठा करवा ठीक अच्छे। तो ओडियारे प्रथम छापाखाना प्रकाशित पुस्तक प्रकाशित होता कोलकाता निकटवर्ती श्रीरामपुरु ठीक अच्छे मन रख बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे। तो मेदिनीपुर आदिवासी पंडित मृत्युंजय विद्याकोका सहायत किरीश साहेब द्वारा यह प्रथम मुद्रित होता 1807 मसीह ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर। तापर आउ कौन होता ओडिशा ख्रीष्ट धर्म प्रचार पर अधिक रु अधिक बही आउ टैक्ट आवश्यक होवर 300 माइल दूर से श्रीरामपुर ब्रिज द्वारा यह आउ संभव हैला नहीं ठीक अच्छे यह संभव हैला नहीं। तो जेनेराल बाप्टिस्ट मिशनारी सोसाइटी रो कमिटी आगरे लेसी साहेब प्रस्ताव रखी थे जे ओडिशा यह गोटे मिशनारी प्रस्थापित होगा उचित बोली से एमती लिखी थे से कमिटर बरणी ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर भाव। तो लेसिंग को सहित तो प्रेस टी आसी पहुँचला के 1 मार्च 1838 मसीह लेसी लिखी जे प्रेस टी को लेखापी शह शह लोक से दिन जमा होते कटक मिशन स्कूल पुराणा घरे प्रेस टी स्थापित तो होता एवं सटन आउ लेसिंग को अनुमान अधिक सफल आउ सक्षम भाव कार्यकारी करथिला आउ रथ यात्रा आग को थिबारु खूब तर तर भाव द वंडरफुल एडवांटेजेस ऑफ ए पिलग्रिमेज टू जगन्नाथ श्री श्री गुंडीचा यात्रार महाश्चर्य फल नामक गोटे 12 पृष्ठा टैक्ट्स प्रस्तुत होता आ प्रकाश यहाँ थिला ओडिशा रे प्रकाशित प्रथम छापा बही ठीक अच्छे। तो 5000 खंड यही छापा बही रथ यात्रा समय रे बड़ दांड रे 7 जन मिशनारी द्वारा बंटा जाइथिला आउ यहार छापा एवं अन्यन्य कर्म को से समय रे श्रीरामपुर रु प्रकाश पाउथिबा द फ्रेंड ऑफ इंडिया पत्रिका रे प्रशंसा करा जाइथिला ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर। तो ब्रिटिश म्यूजियम रे 1838 मसीह रे मिशनारी प्रेस कटक रु प्रकाशित अन्य 4 क्षुद्र पुस्तिका एवं उपलब्ध होकर रही है से गुड़िक सान हेनरी आउ तार बेहेरार वृतांत बेहेरार वृतांत रही ईश्व आत्मस्वरूप पीतांबर सिंह चरित्र धर्म विषय कथबार्ता प्रथम भाग एमती रही है ठीक अच्छे। तो मन रखिबो ओडिशा रे मिशन प्रेस कटक थिला ओडिशा रे प्रथम छापाखाना ओडिशा रे प्रथम छापाखाना रो नाम कौन ताले सठिक उत्तर कौन कहिबो कटक मिशन प्रेस। कटक मिशन प्रेस होछे ओडिशा रो प्रथम छापाखाना रो नाम जोटा कि 1800
37 ମସିହାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପରି ଏହାର ପରିଚାଳକ କିଏ ଥିଲେ, ରେଭରେଣ୍ଡ ଏମ୍ ସଟନ୍ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ରେଭରେଣ୍ଡ ଏମ୍ ସଟନ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଅଭିଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଛାପାଖାନାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଋଣ ମଧ୍ୟ 1849 ମସିହାରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଚାର୍ଲସ ଲେସିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ଏହି ପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହା ମିଶନାରୀ ଛାପାଖାନା ହେଲେ ହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାରଣରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାପାଖାନାର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାପାଖାନା ହେଉଛି କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ ବା କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେଜଣ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 1866 ମସିହାରେ କଟକରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ବାହାରୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କିଏ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ, ଏହାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା ଏଇଟା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, 1866 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସରୁ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସରୁ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମକୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବ ତ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନରେ ନବଜାଗରଣର ବାର୍ତ୍ତା କିପରି ଏହା ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ କରିସାରିଛୁ। ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର। ତ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ଛାପାଖାନା କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା? ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ତ ଏହାର 2 ବର୍ଷ ପରେ, ଏହାର ମାନେ ଏଇ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସର 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି 1868 ମସିହାରେ ହେଉଛି 1868 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଠ କଲେ ଜଣାଯାଏ କିପରି କଲିକତାର ଜଣେ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ଫକୀରମୋହନ କଲିକତାରୁ କିଣିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତଚାଳିତ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଫକୀରମୋହନ କଲିକତାରୁ ଅଣାଇଲେ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଥିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ସେମାନେ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେବ ପ୍ରେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପେଟ୍ରିଅଟ ପ୍ରେସ୍ ଏଇଟା କଟକଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରେସ୍ କଟକଠାରେ ହୋଇଥିଲା 1885 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ବାମଣ୍ଡାଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କଟକଠାରେ ହୋଇଥିଲା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ ଏମିତି ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 20 ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଲା ପାଦଚାଳିତ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ଥିଲା ହସ୍ତଚାଳିତ ଥିଲା 19 ଶତାବ୍ଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଶେଷରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହଜାରେ ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଗଜ ଛପା ହୋଇପାରୁଥିଲା। 20 ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲା ପାଦଚାଳିତ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଓ ଏହା ପାଦରେ ଚଲାଇ ଡାହାଣ ହାତରେ କାଗଜ ଦିଆଯାଇ ବାମ ହାତରେ ବାହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ପାଦଚାଳିତ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଏଥିରେ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ଏହାକୁ ପାଦରେ ଚଲାଇ ଡାହାଣ ହାତରେ କାଗଜ ଦିଆଯାଇ ବାମ ହାତରେ ବାହାର କରାଯାଉଥିଲା। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଗୋଟିଏ ଯୁଗାନ୍ତର। ଏହା ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଶାସନରେ କେବଳ ସୀମିତ ରହି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ। ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଧର୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା? ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଧର୍ମ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର
ପ୍ରଣୟନ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଏଇ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆସିଲେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସହ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନୂତନ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସବୁ ଭାଷା ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ନୂଆ ରୁଚିବୋଧ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଶର ଛୋଟ ବଡ଼ ଘଟଣା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାରିତ ଆଉ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଐକ୍ୟବୋଧର ନବଜାଗରଣ ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଏଇଟା ହୋଇପାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ବିଶେଷ କରି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆୟୁର୍ବେଦର ଔଷଧ, ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ତାପରେ ପଞ୍ଜିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିନର ଶୁଭ ଲାଭ, ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ରୀତିନୀତି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବୋଲି ପ୍ରତୀକ ହେଉଥିଲା, ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ତାହା ସର୍ବଜନୀନ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ଖବରକାଗଜରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଶୁଭ ଲାଭ ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏଇଠୁ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିବ ନା, ତାଲପତ୍ର ପୋଥିର ପୁଷ୍ପିକା ଗୁଆରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର କେମିତି ହୋଇଥିଲା ତା ସମ୍ପର୍କରେ, ତାପରେ ଲେଖନ ପଦ୍ଧତିରେ ମାନକୀକରଣରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା, ତାପରେ କଲିକତାରେ ଛାପାଖାନାର ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇଥିଲା, କଟକ ମିଶନାରୀ ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବ। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ ନିବନ୍ଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ଆସୁ, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ଆସୁ, ଇଜିଲି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣେଇବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆହୁରି କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ୍। ଏଥିରେ ରହିଛି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ତାପରେ ଭାଷିକ ଏକତାର ସୂତ୍ରଧର କ'ଣ ଏମିତି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିହାତି ଜଣେଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ତଥା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ତଳପଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ ତଳପଟେ ଅଛି। ସୁପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।